नमस्कार दोस्तों, एजुपान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 19वें दिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस कवर करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है द पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग द, किस काल के दौरान पंचतंत्र लिखा गया था? वैदिक काल के बाद, मुगल काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल के बाद? तो जो पंचतंत्र है वह बच्चों गुप्त काल के बाद लिखा गया। याद रखें कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो पंचतंत्र है वह किसके बाद लिखा गया या फिर किस दौरान लिखा गया। बेसिकली गुप्त काल के बाद यह लिखा गया, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, हु कॉइंड द नेम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर का नाम वह किसने दिया? सैमुअल कोहेन ने, नरेंद्र कंपनी ने, पर्सियल स्पेंसर या फिर टी एच मेहमान ने? तो यह जो नाम था ऑप्टिकल फाइबर, यह दिया था नरेंद्र कंपनी ने। नरेंद्र कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर नाम दिया था, याद रखें। और ये आपको आंसर मैंने दिखा दिया, नरेंद्र कंपनी इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, निम्नलिखित संस्थान में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? UPU, IFC, WMO या फिर ICFTU? तो बच्चों जो इनमें से जो इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ का जो मुक्त व्यापार परिसंघ है, जिसे इन शॉर्ट हम ICFTU बोलते हैं, जो भी डी ऑप्शन है, वह यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है। यह वह इंस्टीट्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है। तो देखो सही आंसर मैंने दिखा दिया, इसका सही आंसर है ICFTU, डी ऑप्शन। तो चलिए बच्चों चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन पे कह रहा है कि ऑन विच रिवर हैज नर नारायण सेतु हैज़ बीन बिल्ट, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? जो पहला ऑप्शन है वह गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा महानदी और चौथा गोदावरी। तो चलो बच्चों इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ब्रह्मपुत्र नदी, जो नर नारायण सेतु है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। तो आज का पांचवा क्वेश्चन हम करते हैं। उत्तर रामचरित्र हैज बिन रिटन बाई हर्ष, तुलसीदास, भवभूति या फिर शूद्रक? जो उत्तर रामचरित्र है वह किसके द्वारा लिखी गई? तो वह लिखी भवभूति ने। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र जो पुस्तक है वह लिखी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ सैटेलाइट फर्स्ट, इनमें से कौन से देश ने प्रथम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? US ने, UK ने, USSR ने या फिर फ्रांस ने? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह है USSR वह पहला देश है जिसने प्रथम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो चलिए बच्चों सातवां क्वेश्चन देते हैं। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, जो ए पैसेज टू इंग्लैंड है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ए पैसेज टू इंग्लैंड। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं EM फोस्टर, खुशवंत सिंह, विक्रम सिंह या फिर निराज सिंह चौधरी। तो जो ए पैसेज टू इंग्लैंड है वह जो किताब है वह लिखी गई है निराज सिंह चौधरी ने। निराज सिंह चौधरी ऑथर है अ पैसेज टू इंग्लैंड के। सही आंसर है निराज सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चे आज का 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के भाईचारे और शांति के दर्शन को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को उनकी जयंती की घोषणा किस रूप में किया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस? तो महात्मा गांधी के भाईचारे और शांति के दर्शन को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया है बच्चों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो यूनाइटेड नेशन है वो जो गांधी जी की जयंती है उसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। तो आज का 9th क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो जो ये पुरस्कार है यह लिटरेचर के फील्ड में, जो भी लोग लिटरेचर के फील्ड में अच्छा काम करते हैं उन्हें सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो सरस्वती जो सम्मान जो वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 7 अप्रैल को, 7 जून को, 11 अप्रैल को? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वह बच्चों मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। चलिए बच्चों आज का 11वां क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लेटेस्ट टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन एज अ मेंबर, UN में एक सदस्य के रूप में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, हांगकांग, ताइवान या फिर दक्षिण सूडान? तो दक्षिण सूडान वह देश है जो UN में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है यूनाइटेड नेशन। यह 193वां देश है, 193। तो चलिए 11वां क्वेश्चन ये सीरीज कर चुके हैं, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान इसका जो है सही आंसर है। चलिए बच्चों आज 12 वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड एड्स डे किस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 सितंबर को, 1 दिसंबर को? तो बच्चों यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को, वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, याद रखें। तो चलिए आज का 13वां क्वेश्चन है, थुमरी गायक गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किस घराने में से है? बनारस, आगरा, किराना, लखनऊ? तो यह बच्चों इसका सही आंसर है वह है
बनारस घराना, जो ठुमरी गायक गिरिजा देवी हैं वह बनारस घराना से संबंधित है। तो चलिए बच्चे आज 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कला संस्कृति और शिक्षा के लिए पहले दयावती मोदी पुरस्कार का प्राप्त करता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट दयावती मोदी अवार्ड फॉर आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन? तो वो अमिताभ बच्चन थे जिन्हें कला संस्कृति और शिक्षा के लिए पहला दयावती मोदी पुरस्कार दिया गया। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? अमिताभ बच्चन। तो आज का 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? जो ज्यामिति है उसे जनक के रूप में किससे जाना जाता है, पाइथागोरस को, हिप्पाचूरस को, या फिर एरिस्टोटल, या फिर यूक्लिड को? तो बच्चे उसका सही उत्तर है वह है यूक्लिड। यूक्लिड जो आपने पढ़ी होगी, यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आज के हमारे एसएससी नए एपिसोड समाप्त होता है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। एजुपर के साथ ऐसे ही बने रहें, धन्यवाद।